बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के शिवनगर में मंगलवार रात पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के एक पिता व पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे पुत्र की मौत हो गई, वही पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी अनुसार शिवनगर में एक किराए के मकान में सो रहे पिता व उसके बेटे पर गाड़ियों में सवार होकर आए 8 से 10 लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में बेटे की पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मौका मुआयना करने के साथ मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू की। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के एक पिता व पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पुत्र की मौत हो गई व पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी अनुसार शिवनगर में एक किराए के मकान में सो रहे पिता व बेटे पर गाड़ियों में सवार होकर आए 8 से 10 लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में बेटे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं परिजनों ने गंभीर घायल पिता को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना बाड़मेर जिले के सदर थाना इलाके के शिवनगर की मंगलवार रात की है। वहीं मृतक के बेटे के शव को पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया। बताया जा रहा है कि महिला के साथ अवैध संबंधों के चलते पिता पुत्र पर हमला हुआ। पुलिस के अनुसार सरणू गांव निवासी पताराम धाटी व उसका बेटा मदन शिवनगर में किराए के मकान में रहते थे और रात वो दोनों सो रहे थे। देर रात गाड़ियों में सवार होकर आए भीमथल निवासी राजू राम व उसके साथियों ने पिता पुत्र पर लाठियों व डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। बेटे को बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं पिता पताराम जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आरोपी गाड़ियों में सवार होकर मौके से भाग गए। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पिता पुत्र को दोनों को चिकित्सालय लेकर आई, लेकिन वहां पर बेटे को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर घायल पिता का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इलाके में कल देर रात की एक घटना है, जिसमें दो पक्ष हैं जिन्हें पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। कल मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और दूसरा जो है वो गंभीर रूप से घायल है। इस संबंध में जो मुख्य आरोपी है उसको दस्तयाब कर लिया गया है, अन्य को नामजद किया जा रहा है, जल्दी समस्त गिरफ्तारियां हो जाएंगी। पत्नी से क्या बात सामने, क्या विवाद था, उसमें पहले इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज है? मुकदमा दर्ज होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन महिला को लेकर के इनके बीच में अनबन चली आ रही थी, जिसको लेकर के कल भी ये लोग आमने सामने आए। सदर थाने के SI जाकिर अली के मुताबिक बदमाशों ने पिता पुत्र पर हमला किया, इससे बेटे मदन की मौत हो गई। वहीं पिता पत्ताराम का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को दस्तयाब करने के साथ अन्य आरोपियों की तलाश शुरू की। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। बाड़मेर सदर पुलिस ने टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर FSL टीम को बुलाया। टीम ने घर में बिखरे खून, बाल, कपड़े सहित अन्य साक्ष्य जुटाए। वहीं मौके से लाठी डंडों को भी बरामद किया गया। बाड़मेर पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाकर तलाश शुरू की। वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर के बाद शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द किया।